ये डोसा पे कई को तो भी इतना चीज़ डाल रहा है ने, कई को तो भी इतने डोसे बना रहा, कहाँ बना रहा, कई को बना रहा, किसके लिए बना रहा, कौन खाता है, ये सब चीज़ें आपको आ रहे होंगे दिमाग में। पूरा वीडियो देखो, मालूम होता है आप लोगों को आज का वीडियो किधर का है, क्या है। ये है नानी टिफिन्स जो है निकलोस रोड पे, बहुत मशहूर है यहाँ पे। रोज़ पे ना हज़ारों डोसे, हज़ारों इडलियाँ, वड़े, सब चीज़ें बेचते। यहाँ पब्लिक ऐसी उड़ी पड़ती, बोलते फ्री में दिया सर का डोसा, ऐसे आपको समझो डोसा सस्ता रहता, बोल के 80 रुपये में आपको चीज़ डोसा मिलता, क्रीम डोसा मिलता, मसाला डोसा 40 में मिलता। पब्लिक दिख रहा ना आप लोगों को कैसा उड़ी पड़ रहे, देख के परेशान हो जाना आप लोग, कहाँ से तो भी आ रहे बोल के। अन्ना ऐसा ज़बरदस्त एक टाइम पे नहीं बोलते ना, 20 से 30 डोसे बनाते हैं ना, खाली देखो अपना वीडियो कैसा बना रहे, कैसा बना बोला, परेशान हो जाना ना, बोलना भाई क्या है। ऐसे तो बहुत से लोग खाली होंगे नानी टिफिन पे, बहुत फेमस है, बहुत पुराना ये है, लेकिन जो नहीं खाए देख लो यहाँ भाई कैसा बनाते डोसा। बहुत से हमारे घर में कभी भी डोसा बनाया तो मैं सुनता हूँ इतना कड़क कहीं को नहीं बनता, तो आज मालूम हुआ ये 70 रुपये बनाया तो कड़क होता कहते, अभी 70 कहाँ मिलता नहीं मालूम। मैं हमारे घर के ग्रेनाइट टाइल्स पर बनाएंगे, सुन सुनो क्या है, आप लोगों का मशवरा बोलो। तो भाई यहाँ दो दो जने मिलकर डोसे बनाते हैं, वैसे तो आप होटल में देखे होंगे एक जना बनाता होगा, यहाँ देखो दो जने मिलकर दो हाथों से डोसे बना रही, इसको बोलते हैं स्पेशलिटी। अब डोसे पड़ गए, अब डोसे पर टॉपिंग देखो, टॉपिंग आप देख के परेशान हो जाना आप लोग, आज तक अपना आलू का डोसा खाएंगे, चीज़ डोसा खाएंगे, ये देख लो आप लोग दूसरे पे जो टॉपिंग डालते हैं ना भाई, बेहतरीन टॉपिंग है ये, दिख रहा प्याज, और भाई इतना एडवांस अंग फन करके बना वाले तो बनाए थे ना, ये प्याज, कैरेट, अब कोथमीर पूरा मिलके, अब भारी बटर की, बटर का देखे अपना पूरा बुगना भर के बटर है लोकन, इतने बटर में अपना जिंदगी भर नहीं खाए होंगे, तब बटर ना देखो खाली भाई, खाली क्या इजीली डाल रखे बटर भर के, अमूल बटर है ये, लोकल बटर नहीं होता, बुज्जे ने कमेंट में मार देंगे भाई लोकल बटर है ये है, जानवरों की चर्बी है बोल के। अब इसको उपमा बोलते हैं या मसाला भी बोल सकते हैं, लोग अलग अलग डालते हैं, थोड़े ने आलू का बनाते हैं, इन लोग उपमा बनाए इसको सोजी से बनाते शायद, मेरे को नहीं मालूम। ये है अपना टमाटर की चटनी, एक रो खाली अपना कैसा एकदम पैरेलली एक टाइम पे नहीं बोलते ना, 20 से 25 डोसे बनते हैं, और ये काउंटर है ऐसे, इन लोगों का 4 काउंटर आ रहे थे और 4 काउंटर फुल दिख रहा ना, क्या ज़बरदस्त बना रहे, देखो खाली डोसा, ये मसाला पाउडर है, ये मसाला पाउडर भी देखे ना, सॉस के पाउडर में आके कर रहे, एडवांस हो जा रहे इसके लोग हर चीज़ में, शॉर्टकट ढूंढ रहे लोग अपना। आज से खाली हैदराबाद में बिरयानी मशहूर सुन सकेंगे, आज देखो यहाँ के डोसे कितने मशहूर है, नहीं बोल रहे आराम से रोज़ के लाखों का काउंटर है इनका, भाई बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है नज़र नहीं लगाना, लेकिन भाई बहुत मेहनत करके बनाते लोग, उनकी मेहनत की दाग देना दिख रहा, क्या ज़बरदस्त बना, देखो खाली यहाँ से एक भाई, यहाँ से एक भाई, कबाशाला तो 4 जगह और जने मिलकर बनाते दिख रहा, क्या ज़बरदस्त शेजवान डोसा, चीज़ डोसा, पनीर डोसा, पिज़्ज़ा डोसा, इतने डोसे हो गए बोलते हो, तो इनके बाद देखे बोलते बिरयानी डोसा ही बनाए थे लोग, मैं डोसा के बीच में बिरयानी डाले तो बिरयानी डोसा बन जाता। खैर आइडिया दे दिया मैं किसी को, अगर स्टार्टअप स्टार्ट करना है बोलते भाई मेरा आइडिया ले लो आप लोग, देख के बोतलों के मुँह में पानी आ जा रहा, मेरे को भी देख के पानी आ रहा, ज़बरदस्त डोसा था यहाँ का, क्रीम डोसा एक बार खाया ना अपना, बार बार खाना मज़ा आ जाता, क्रीम के साथ खाए तो, और क्रीम डोसा खाली यहीं मिलता, काम ही नहीं मिलता, बटर, पनीर, ये वो मसाला उपमा सब डाल के क्या बेहतरीन बनता देखो, और कितना जल्दी जल्दी बनाते बोल तो। लेकिन आप लोग आए तो यहाँ कम से कम 10 से 15 मिनट वेट करना, दिख रहा है शेजवान चटनी है, शेजवान डोसा बोल के मिलता, चाइनीज़ को भी बना दिल ना, डोसे में चाइनीज़ को भी डाल दिल ना, दिख रहा कैसा बनाते हैं, कड़क एकदम डोसे एकदम कड़क बनते हैं और फटाफट बनते, ये चीज़ डाल रहे देखो भाई, ज़बरदस्त चीज़ स्लाइस डाल के, लोग डबल चीज़ बोलते, डबल बटर भी बोलते, लोगों के पेट में क्या आए कि नहीं मन समझ आता, इतना इतना खाते लोग। खैर दिख रहा चीज़, अब इसको पनीर डालते, क्या सॉलिड है देखो पनीर, ये बड़ा ब्रिक खाली डुबा डुबा के पानी में मारते रहते पनीर ला, तो बहुत लोग आते हैं सैटरडे संडे तो खड़ने को जगह नहीं मिलती, कार पार्किंग तो बहुत है, अपना वीकडेज को आके खा सकते, सुबह 5 बजे कुछ शुरू हो जाता इनका, 10-11 बजे तक चलता, तो आओ आप लोग फैमिलीज के साथ आके खाओ यहाँ के डोसे, अब तो कोरोना भी ख़त्म हो गया तो टेंशन नको लो, आओ खाओ, अगर बोर हो गए वो ये चेक क्रीम देखो, अमूल क्रीम, कुछ भी लोकल कंपनी का यूज़ नहीं करते ना, लेकिन अमूल क्रीम का डब्बा, फ्रेश क्रीम, फ्रेश क्रीम के ऊपर फिर से आता अपना पनीर, तो ये है पब्लिक देख रहेगा, इंतज़ार कर रहे हैं डोसे के लिए चारों तरफ से, खाली अटैक, तो डोसा वहाँ खोड़ के कल तो नज़र बहुत लगती है, और डोसे का थोड़ा टुकड़ा उड़ा के बाजू फेंक दो, कई बोलते इतने लोग दिखते रहते तो नज़र बहुत खतरनाक लगती, क्या सॉलिड है देखा डोसा भाई, देखो कैसा फिक्र चीज़ खाली सा हाई फाई दिया सर डाल दे रहे, क्या खाली खड़े 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 ऐसा हो जाना वैसा है सॉलिड, मेरे को तो बहुत पसंद आता है इनके डोसे, एक बार खाए तो अपना बार बार खाना वैसा रहता, और दिख रहा पब्लिक आप लोगों को डोसा मिल गया मैं फाइनली, और ये तवा बुंडा बोलते हैं इसको, तवे पे बनाते, 80 रुपये का आइटम है वो, तो यहाँ भी एक डोसे काउंटर है, यहाँ भी डोसे बनाते हैं, वहाँ भी बनाते हैं, हर जगह डोसे बनते रहते हैं यहाँ, सो टेंशन न खोलो, खाली आओ खाओ और मज़े करो, सो स्ट्रीट फूड ब्लॉग है ये मेरा। 3
हेलो गाइस, दिस इज आमिर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर द फ्री ट्रैवलर। आज स्ट्रीट फूड वीडियो बनाएंगे सोचा, तो आगे अपना सिकंदराबाद का फेमस नानी डिफेंस है नेकलेस रोड के पास, बहुत फेमस है ये। यहाँ आए तो लगभग आपको एक घंटा लगता डोसा मिलने के लिए, हजारों डोसा खाते रोज को यहाँ। सो लोगों को बहुत पसंद आता है यहाँ का चीज़ डोसा, पनीर डोसा, क्रीम डोसा बहुत फेमस है यहाँ का। उसके अलावा इडली वड़ा डोसा हर चीज़ मिलता है यहाँ। और पब्लिक तो अपना आगे के वीडियो में देखेंगे कितना है। सो बहुत मुश्किल के साथ एक वीडियो डोसा मिला अपने को। सो ये बटर मसाला डोसा है, चीज़ डोसा खा लिया हमने। सो खा के देखेंगे, डोसा ठंडा हुआ लेकिन क्रिस्प है। अभी भी यहाँ की खासियत ये है, घर में ऐसा क्रिस्प नहीं बनता। और चटनी भी इनका यूनिक है, ग्रीन कलर का पुदीना डाल के बनाए चटनी, एकदम क्रिस्प है डोसा, जबरदस्त है। अगर आप नानी डिफेंस ट्राई ट्राई करें बोलते तो सिकंदराबाद मेरे के बेकार है। सो आओ सिकंदराबाद में यहाँ का डोसा ट्राई करो, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश कर तो डोसा मिल जाता आपको। कुछ भी रिकमेंडेशन वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता यहाँ आपको। अच्छे अच्छे फैमिलीज आते, लेडीज आते, सब आते, सो कुछ टेंशन नहीं है। तो फैमिलीज भी आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आगे डोसा लेके कार में खा लो मेरे जैसा। वहाँ धूप बहुत है और समर भी शुरू हो रहा है। सो नानी डिफेंस के वैसे तो ब्रांचेस बहुत सारे हैं लेकिन ये उनका मेन ओरिजिनल ब्रांच है। सो यहाँ आओ, डोसा खाओ और मजे करो।